Good morning all. Myself Puneet Agrawal here. Today I am explaining you chapter number 9, Internet and Email, part 5. As you know, I divide this chapter into some parts. So aaj hum baat karenge part 5 ke bare mein. Now the first topic is attaching a file. Students, internet ke bare mein previous classes mein maine aapko bataya ki internet kya hota hai, kya iske features hain, email kya hota hai aur email id hum kaise create karte hain, kaise hum inbox mein aaye hue messages ko read karte hain aur agar hame अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को कोई मैसेज सेंड करना है तो किस तरह से हम मैसेज सेंड करते हैं. आज हम जानेंगे ईमेल का यूज करते हुए अगर हमें कोई मैसेज भेजना है अपनी ईमेल आईडी का यूज करते हुए तो हमारे पास एक फीचर होता है कि ईमेल मैसेज सेंड करते समय हम फाइल भी अटैच कर सकते हैं. तो कैसे फाइल अटैच करते हैं आज हम सीखेंगे इसके बारे में. ईमेल प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू अटैच फाइल्स फॉर हाई स्पीड डिलीवरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ईमेल हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हाई स्पीड से अपनी मेल को डिलीवर कर सकते हैं फाइल्स को अटैच करके. Attaching a file to an email is an easy way to send important documents or files which can be photographs, videos, music, letters or text. Email के साथ में हम जब एक file को attach करते हैं तो ये बहुत ही आसान feature है और इसका use करके हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को या फाइल्स को सेंड कर सकते हैं जो कि फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, वीडियोस, म्यूजिक, लेटर्स, टेक्स्ट, ये सभी हम यहाँ से अटैच करके सेंड कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं कैसे हम फाइल को अटैच करते हैं ईमेल सेंड करते समय. टू अटैच अ फाइल टू एन ईमेल, अगर हम ईमेल आईडी से फाइल को अटैच करना चाहते हैं फॉलो दीज स्टेप्स. इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा. क्लिक ऑन द अटैच अ फाइल आइकन ऑन द टूल बार एट द बॉटम ऑफ द कंपोज विंडो. आप यहां पर देख सकते हैं स्लाइड पर अटैच अ फाइल नेम से एक आइकन शो हो रहा है यहां पर जो येलो कलर से हाईलाइट है. तो आप यहां टूल बार से इस आइकन पर क्लिक करेंगे जो कि बॉटम साइड में दिया हुआ है. द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है और browse through your files and select the file you would like to attach. आपको यहाँ से अपनी जो भी files हैं उन्हें browse करेंगे और file को select कर लेंगे जिस file को आप attach करना चाहते हैं. Now click on the open button. अब students जो भी file आपने select की है उसके बाद आप ओपन बटन पर क्लिक कर देंगे जो बॉटम साइड में गिवन है. द फाइल गेट्स अटैच्ड टू योर मेल. ऐसा करने से जो आपकी फाइल है वो आपकी मेल पर अटैच हो जाएगी और आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं जो फाइल अटैचिंग की जो प्रोग्रेस है वो भी आपको यहाँ पर शो हो रही है
और ये जो फाइल अटैचमेंट प्रोग्रेस है इसे कंप्लीट हो जाने पर ही हमें सेंड बटन पर क्लिक करना चाहिए। सो नाउ क्लिक ऑन द सेंड बटन। इसके बाद यहाँ से सेंड बटन पर हमें क्लिक कर देना है। ऑलवेज रिमेंबर यू कैन नॉट सेंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स और मैसेजेस लार्जर देन 25 MB एज एन अटैचमेंट। हमेशा ध्यान रखें कि आप एग्जीक्यूटेबल फाइल्स या मैसेजेस को सेंड नहीं कर पाएंगे अगर उनका साइज 25 MB से ज्यादा है। बट नाउ अडेज इंटरनेट प्रोवाइड सम एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज दैट इनेबल्स अस टू ट्रांसफर फाइल्स बियॉन्ड 25 MB। लेकिन आजकल इंटरनेट हमें प्रोवाइड कर रहा है कुछ ऐसी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को जो हमें इनेबल करती हैं, हमें अलाउ करती हैं कि हम 25 MB से ज्यादा वाली भी फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विसेज आर गिवन बिलो। इनमें से जो मोस्ट पॉपुलर सर्विसेज हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं। वी ट्रांसफर इज अ फ्री ऑनलाइन फाइल ट्रांसफर सर्विस दैट इनेबल्स यू टू सेंड फाइल्स अप टू 2 GB फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। स्टूडेंट्स, वी ट्रांसफर एक फ्री ऑनलाइन फाइल ट्रांसफर सर्विस है जो आपको इनेबल करती है कि आप यहाँ पर 2 GB तक की कोई भी फाइल यहाँ पर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेज सकते हैं। बोथ द सेंडर एंड द रेसिपिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव एन ईमेल एड्रेस टू ट्रांसफर द फाइल्स। यहाँ पर सेंडर और रेसिपिएंट दोनों के लिए रिक्वायर है कि उनके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए अगर फाइल को ट्रांसफर करना है। द रेसिपिएंट रिसीव द फाइल थ्रू मेल। जो रिसीवर है वो फाइल को रिसीव करेगा मेल के द्वारा। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू ट्रांसफर द फाइल। तो आइए जानते हैं किस तरह से हम फाइल को ट्रांसफर करते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। ओपन द लिंक www.vtransfer.com। हमें www.vtransfer.com ये वेबसाइट का URL टाइप करके और इस लिंक को हमें ओपन करना होगा। क्लिक ऑन द एड फाइल्स बटन और हमें एड फाइल्स बटन पर क्लिक करना होगा एंड सेलेक्ट द फाइल्स फ्रॉम द ओपन डायलॉग बॉक्स। और जहां पर ओपन डायलॉग बॉक्स हमारे सामने होगा वहां से हम फाइल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। एड द रेसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस इन द फ्रेंड्स ईमेल टेक्स्ट बॉक्स और यहां से रेसिपिएंट का जो ईमेल एड्रेस है उसे ऐड करा लेंगे फ्रेंड ईमेल टेक्स्ट बॉक्स में। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। एड योर ईमेल एड्रेस इन योर ईमेल टेक्स्ट बॉक्स। अब आप अपना एड्रेस लिख देंगे ईमेल टेक्स्ट बॉक्स में। टाइप अ मैसेज इन द मैसेज टेक्स्ट बॉक्स इफ रिक्वायर्ड। आपको अगर कोई मैसेज भी साथ में लिखकर कन्वे करना है तो आप मैसेज टाइप कर देंगे। क्लिक ऑन द ट्रांसफर बटन और इसके बाद आप ट्रांसफर बटन पर क्लिक कर देंगे। द रेसिपिएंट विल रिसीव अ मेल कंटेनिंग द फाइल्स विच कैन बी इजिली डाउनलोडेड। रेसिपिएंट को मेल रिसीव होगा उन सभी फाइल्स के साथ में जो आपने सेंड की हैं और जिन्हें आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। द रेसिपिएंट्स विल रिसीव अ मेल कंटेनिंग द फाइल्स विच कैन बी इजिली डाउनलोडेड। नाउ अब मैं आपको समझाऊंगा सेंड स्पेस के बारे में। क्या होता है सेंड स्पेस। SendSpace is another file transfer service that helps us to share large files up to 300 MB free of cost. SendSpace एक अन्य file transfer service है
कोई दूसरी फाइल ट्रांसफर सर्विस है जो हमें हमारी हेल्प करती है कि हम यहाँ पर लार्ज फाइल्स शेयर कर सकते हैं 300 MB तक फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद चार्ज अप्लाई होते हैं। तो आप इस सेंड स्पेस का यूज करके यहाँ से फाइल्स शेयर कर सकते हैं, बट ध्यान रहे 300 MB तक का ही यहाँ से डाटा सेंड किया जा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। दो रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट एज अ रजिस्टर्ड यूजर कैन अवेल इट्स अदर फीचर्स अलॉन्ग विद अपलोडिंग लाइक ट्रैकिंग द फाइल्स, एडिटिंग द फाइल्स एटसेट्रा। बच्चों यहाँ मैंडेटरी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना ही हो, बट जो रजिस्टर्ड यूजर हैं वो इसके कुछ अदर फीचर्स को भी अवेल कर सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट या फाइल्स अपलोड किए हैं उन्हें ट्रैक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। सेंड स्पेस का कैसे यूज किया जाएगा तो आइए देखते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप्स, कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। ओपन द वेबसाइट www.sendspace.com। हमें इस वेबसाइट को ओपन करना होगा। इफ यू जस्ट वॉन्ट टू सेंड अ फाइल, क्लिक ऑन द ब्राउज बटन। आप अगर कोई फाइल सेंड करना चाहते हैं तो आपको ब्राउज बटन पर क्लिक करना होगा। एंड ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, और ओपन डायलॉग बॉक्स जैसे ही अपीयर होता है, इधर सेलेक्ट द फाइल एंड क्लिक ऑन ओपन बटन और ड्रैग एंड ड्रॉप द डिजायर्ड फाइल। आप चाहें तो फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं ओपन बटन पर क्लिक करके, या आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे एट द रिक्वायर्ड प्लेस। एंटर बोथ द सेंडर एंड रिसीवर्स ईमेल एड्रेस इन द प्रोवाइडेड स्पेस एंड क्लिक ऑन द अपलोड बटन। आपको सेंडर और रिसीवर दोनों के ईमेल एड्रेस उसमें इनपुट करने होंगे जहां पर स्पेस प्रोवाइड किया गया है, और उसके बाद आप अपलोड बटन पर क्लिक कर देंगे। द फाइल विल बी सेंड थ्रू ईमेल एज अ लिंक। अब जो फाइल आपने सेंड की है वो ईमेल द्वारा सेंड हो जाएगी एज ए लिंक, लिंक की फॉर्म में जाएगी, विच कैन बी डाउनलोड बाय द रेसिपिएंट, यानी कि जिसे रेसिपिएंट को डाउनलोड करना होगा। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, आपको मैंने समझाया, आई होप कि सभी ने अच्छे से ये टॉपिक समझ लिए होंगे कि हम ईमेल से फाइल कैसे अटैच करते हैं, और 25 MB से ज़्यादा यानी 25 MB से ज़्यादा हम फाइल नहीं सेंड कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें अलग से वेबसाइट्स दी हुई हैं, उनका यूज़ करके हम यहाँ जो वी ट्रांसफर और सेंड स्पेस दिए हुए हैं फीचर्स, इनका यूज करके हम अपने लार्ज फाइल्स को इजीली सेंड कर सकते हैं। तो आप सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप इस सेशन की मैं वीडियो बना करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं, और यू कैन कॉल मी एनी टाइम। आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है आपका या कोई क्वेरी हो। तो ऑल द बेस्ट, डू प्रैक्टिस एट योर होम। थैंक यू।